सो फ्रेंड्स, होप आप सब लोग ठीक हैं। कोविड टाइम्स में अपना ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और कीप योरसेल्फ सेफ। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने अपना फिनिकल का हिंदी वर्जन जो है लॉन्च कर दिया है। आप सब लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला है। लोग बहुत सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरे जो भी लाइव फिनिकल वीडियोज़ हैं वो सब लोग देख रहे हैं। तो बहुत से लोगों ने कहा कि सर, आप हिंदी में भी अगर आप दे सकते हैं। तो फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं जितना भी जल्दी पॉसिबल होगा हिंदी में सारे वीडियोस फिनिकल के बनाऊंगा मैं। तो वो सब मैंने वेबसाइट पर अपलोड कर दी हैं। तो जो लोग हिंदी में देखना चाहते हैं वो हिंदी का मॉड्यूल चूज कर सकते हैं। और उन लोगों के लिए खुशखबरी और है कि जितने भी मॉड्यूल्स मैं इंग्लिश में डालूंगा, चाहे वो प्रिंसिपल्स ऑफ बैंकिंग हो, एडवांस वर्जन हो, या सेल्स एंड सेलिंग टेक्निक्स हो, सॉफ्ट स्किल्स हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, करियर डेवलपमेंट हो, पर्सनल मैनेजमेंट हो, प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो, सारे टॉपिक्स रिलेटेड टू बैंकिंग मैं सब हिंदी में भी डालूंगा। सो अगेन, बहुत तहे दिल से आप सब लोगों को धन्यवाद कि आप सब लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। और मुझे खुशी हो रही है कि आप सब लोगों के ये मेरे वीडियोज काम आ रहे हैं और आप लोगों के कॉन्फिडेंस बढ़ेगा काम करने में ब्रांचेज में। जितने भी टॉपिक्स मैंने इंग्लिश में कवर किए थे, इस हिंदी वर्जन फिनिकल में मैंने हिंदी में आपको समझाया है कि हर स्टेप आपने कैसे करना है और कैसे क्या फील्ड भरना है, क्या नहीं भरना है। तो आगे से इस वीडियो में भी मैं इंग्लिश और हिंदी मिक्स रखूंगा। और आप लोगों को मैं एश्योरेंस देता हूँ कि जितना भी मैटर मैं अपलोड करूंगा मैं हिंदी में भी करूंगा। तो जो मेरे हिंदी के ब्रदर्स सिस्टर्स हैं, दे ऑल्सो कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम दिस हिंदी वीडियोज, प्लस इंग्लिश वीडियोज तो है ही है, राइट। तो अगेन, तहे दिल से सब लोगों का धन्यवाद। आप सब लोगों ने इतना बढ़िया रिस्पांस दिया है, बहुत ही ओवरवेल्ड हुआ मेरी वेबसाइट पे जो रिस्पांस मिल रहा है। आई मीन मोर देन माय एक्सपेक्टेशंस, लोग एकदम से ही जुड़ गए और सारे वीडियोस देख रहे हैं। तो जो आप यहाँ यूट्यूब में पीपीटीज डालूंगा, तो वो पीपीटी फॉर्म में एक नरेशन है, एक एक्सप्लेनेशन है। बाकी मेरी वेबसाइट पे आपको लाइव फिनिकल में, हिंदी में, इंग्लिश में आपको स्टेप्स में दिखाऊंगा कि कैसे लॉग इन करना है, लॉग आउट करना है, वेरियस फील्ड्स अकाउंट कैसे खोलने हैं, आरटीजीएस एनईएफटी, सारा सब कुछ मैं इसमें करूंगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग स्टॉप पेमेंट करते हैं। तो एक ब्रीफ वीडियो है मार्किंग एंड रिवोकिंग अ स्टॉप पेमेंट। जैसे कोई चेक किसी कस्टमर ने इशू करा और वो आता है कि भाई इसको स्टॉप पेमेंट कर दीजिए, कुछ मेरा डिस्प्यूट हो गया है कस्टमर से, या कुछ भी जो भी रीजन हो सकता है, राइट, खो गया, ये भी हो सकता है कहीं खो भी जाता है, तो वो स्टॉप पेमेंट कराता है कि लोग उसको मिसयूज ना कर लें। तो कस्टमर्स क्या है, लूजिंग ऑफ चेक्स या स्टॉप पेमेंट करने के लिए रिक्वेस्ट देता है, तो वी वेरीफाई सिग्नेचर्स और फिर हम इंक्वायरी में जाके देखते हैं पहले कि कहीं वो चेक पे तो नहीं हुआ। सो बैंक्स प्लेस स्टॉप पेमेंट ऑन सच इंस्ट्रूमेंट सो दैट सेम आर नॉट एनकैश अगेंस्ट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कस्टमर। बैंक चार्ज फॉर द कस्टमर्स गिविंग द सर्विसेज। तो बैंक के चार्जेस होते हैं स्टॉप पेमेंट चार्जेस, राइट। तो पहले बैंक ने क्या करना है, देखना है वो चेक पे हुआ तो नहीं है। ओनली देन उसके बाद हमने कस्टमर से रिक्वेस्ट लेनी है और उसके बाद ही हमने फिर स्टॉप पेमेंट एचएसपीपी करके कमांड आपको दिखाऊंगा मैं। तो ये आपको मेरे जो वेबसाइट है उसमें लाइव आपको मिलेगा, राइट। सो कैसे है कि इनवोक एच एस पी पी फॉर मेकिंग स्टॉप पेमेंट ऑफ ए चेक, ये आपका मेन्यू ऑप्शन है जो आपका ऊपर आ रहा है। फिर इन क्राइटेरिया स्टॉप फंक्शन में एस चूज कीजिए, एस इज फॉर स्टॉप पे, एंटर कस्टमर आईडी, एंटर चेक नंबर जो भी आपका है, आप एक से ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन डिटेल्स लिखनी होगी तो केवल एक चेक ही लिख पाएंगे। जैसे अगर पे ही है या अमाउंट है, अगर एक चेक है तो आप वो लिख सकते हैं, अदरवाइज अगर एक से ज्यादा है, फर्स्ट इशू उसकी आधी चेकबुक पूरी खो गई कहीं 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 स्टील हो गया, कहीं उससे लूज हो गया, राइट। तो वो पूरी चेकबुक ले हम खाली सीरियल नंबर डालेंगे, डिटेल्स नहीं डालेंगे, मैं आपको बताऊंगा। फिर नंबर ऑफ लीज कितनी है, 5 है 10 है, तो ऑटोमेटिकली मार्क हो जाएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो सिस्टम आ जाएगा, वहां अपने स्टॉप पेमेंट में रीजन कोड देना है कि क्या रीजन, क्यों आप उसको स्टॉप पेमेंट करना चाह रहे हैं, राइट। तो अपॉन क्लिकिंग ऑन सबमिट जनरेट स्टॉप पेमेंट रेफरेंस नंबर आ जाता है, दिस इज ऑथराइज बाय, जो ऑथराइजिंग अफसर है वो कमांड चलाता है एच एस पी पी ए यू। तो जो मेकर है वो चलाएगा एच एस पी पी स्टॉप पेमेंट,
जो ऑथराइज करेगा वो बाद में एयू सफिक्स कर देगा, HSPPA. सो सिस्टम अलाउज ऑल्सो अलाउज नॉन पेमेंट ऑफ चेक्स विच इज पेंडिंग ऑथराइजेशन. सिस्टम थ्रोज एन एरर मैसेज विंडो, चेक स्टॉप पेमेंट पेंडिंग वेरिफिकेशन. तो अगर चेकर ने नहीं भी किया है, वेरीफाई नहीं करा, तो अभी वो सिस्टम जो उसको पेमेंट नहीं करने देगा. और वो एक एडवाइस भी जनरेट करता है विच कैन बी गिवन टू अ कस्टमर के, आपको रिकॉर्ड के लिए चाहिए कि यस आपने स्टॉप पेमेंट करा दिया. कस्टमर कहता है भाई आई नीड अ कंफर्मेशन कि आपने सिस्टम में मार्क कर दिया है, राइट. तो प्रोसेस क्या है, HSPP जो मेकर करेगा वो ये होगा. तो जैसे ही आप मेन्यू ऑप्शन में एंटर करेंगे, ये मैंने अपने जो भी वेबसाइट है उसमें मैंने लाइव वीडियोस आपको दिखाए हैं, तो आपको बहुत ही ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको मिलेगा और खुद आप जब देखोगे और जब लाइव खुद ब्रांचेस में आगे जाके करोगे ज्वाइन करने पे, तो आपको बहुत एक कंफर्ट लेवल आ जाएगा. क्लिक ऑन गो, उसके बाद ये स्क्रीन आ जाती है, राइट. तो यहाँ हमने कौन सा अकाउंट आईडी है, किस अकाउंट का है, राइट, और चेक नंबर क्या है, वो सब हमने यहाँ डिटेल डालना होता है, राइट. तो जैसे हम करेंगे, आपको मैं मेरे जो वेबसाइट है उसमें बहुत ही क्लियरली मैंने आपको दिखाया कैसे फील्ड हमने करने हैं. तो जैसे ही मैंने कमांड चला, कहेगा दिस विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ डेटा, तो ओके यस नो प्रॉब्लम. फिर हम सेलेक्ट करेंगे फंक्शन एस स्टॉप पे, एंटर अकाउंट आईडी नंबर डालिए, उसके सिग्नेचर वेरीफाई करिए, मेकर ने भी चेकर ने दोनों ने वेरीफाई करने हैं, राइट. और पहले में देयर इज ऑप्शन बिगिन चेक नंबर, तो पहला चेक नंबर वो डाल दीजिए. एक से ज्यादा सीरियल में कई सारे हैं, पूरी चेकबुक होगी तो पूरी सीरीज डाल दीजिए, राइट. और डिटेल्स आप तभी लिख पाएंगे अगर एक ही चेक का स्टॉप पेमेंट करा रहे हैं. नंबर ऑफ लीव्स 5, 6, 8, 10 जितनी भी आप डालेंगे. तो इन केस ऑफ मार्किंग स्टॉप पेमेंट ऑफ मोर देन वन चेक, यूजर मस्ट टेक केयर दैट रिक्वेस्टेड इंस्ट्रूमेंट शुड बी सीरियल ऑर्डर, राइट. तो अगर भी हो सकता है 4 पे नहीं पे हुआ, 5वां पे हो गया और फिर 6, 7, 8 फिर आप स्टॉप पेमेंट करा रहे हैं, तो वो आपने अलग अलग दो कमांड चलानी होगी. क्लिक ऑन गो, तो स्क्रीन आपकी ये आ जाएगी, स्टॉप पेमेंट आ जाएगा, ठीक है, अकाउंट आईडी आ गया, राइट. तो बिगिन चेक नंबर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 5 नंबर इस पर, यहाँ ये है बिगिन चेक नंबर. यहाँ नंबर ऑफ लीज आप डालेंगे 1 डालेंगे, राइट. अगेन क्लिक ऑन गो, तो एंटर चेक डिटेल्स लाइक चेक डेट, पेज नेम, अगर एक है तो, राइट, अदरवाइज एक से ज्यादा है तो यू कैन नॉट. रीजन कोड डालिए, सर्च पे जाइए तो वो रीजन कोड आपको दिखाता है, रिक्वेस्टेड बाय द कस्टमर या वो जो भी, व्हाट वर द रीजन इज, राइट. एंड फी डिटेल्स चेक करिए, तो जो चार्जेस बैंक लेता है वो ले रहा है नहीं ले रहा. तो अगर किसी को कंसेशन देना और आपके पास परमिशन है तो आप उसको वेव कर सकते हैं. सो ये देखिए ये आ जाता है, राइट. तो पूरी डिटेल आ गई. चार्ज डिटेल देखिए यहाँ है, ये जनरल डिटेल्स होगी लेफ्ट हैंड साइड में, और ये है फी डिटेल हियर, दिस इज फी डिटेल, दिस इज जनरल डिटेल्स, राइट. तो फी डिटेल्स में आ जाएगा, राइट. तो आपने वो सब दोबारा करना है. और देखिए ऊपर ये डिटेल आ गई, स्टॉप पेमेंट चार्जेस ऊपर आ गया 50 रुपीज. तो जैसे ही आपने फी डिटेल्स में, आप यहाँ गए फी डिटेल्स, पहले आपने डाली जनरल डिटेल्स, अकाउंट आईडी, चेक नंबर एंड ऑल दैट, फिर आप यहाँ फी डिटेल डालोगे, चेक करोगे यस, तो जो भी सर्विस टैक्स वगैरह प्लस जो है चार्जेस वो आके ले रहा है. एंड फाइनली यू सबमिट, फिर उसको ऑथराइजर उसको, तो ये मेकर का काम पूरा हो गया सबमिट करने के बाद. आफ्टर दैट ऑथराइजर हैज टू, ये देखिए, तो स्टॉप पेमेंट मार्क सक्सेसफुली, स्टॉप पेमेंट नंबर, चेक नंबर, ये आपका ये आ गया, नंबर ऑफ लीव्स, वो रेफरेंस नंबर भी आ जाता है. एरर मैसेज शोन बाय सिस्टम व्हाइल डूइंग ट्रांजैक्शन विद इंस्ट्रूमेंट मार्क्ड स्टॉप पेमेंट बिफोर वेरिफिकेशन ऑफ द स्टॉप पेमेंट. अगर वेरीफाई नो भी होता है, नहीं भी होता है, तो सिस्टम विल नॉट अलाउ द चेक टू बी क्लियर्ड आइदर इन क्लियरिंग और इन ट्रांसफर और फॉर पेमेंट ऑल्सो, राइट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ अ मेकर कैन मार्क द स्टॉप पेमेंट, राइट. आई होप दिस वॉज वेरी वेरी यूजफुल, आप सब लोगों के काम आएगा. और ये वेबसाइट मैंने आपको लाइव वीडियोज दी है, अगेन मैं मार्क कर रहा हूँ, और हिंदी में भी मैंने एक मॉड्यूल डाल दिया है. अब जो भी मैटर मैं इंग्लिश में डालूंगा, मैं आपको हिंदी में भी आप सबके साथ शेयर करूंगा. सो जो भी एक्सेप्शन आता है उसको, वार्निंग है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, राइट, ओके कर दीजिए. और ये दिस इज हाउ इट इज, सो ये ओके करेंगे वो आ जाएगा सिस्टम स्टॉप पेमेंट मार्क सक्सेसफुली. दिस इज हाउ वी मार्क अ स्टॉप पेमेंट इन द सिस्टम. सो फ्रेंड्स अगेन थैंक यू ऑल ऑफ यू ऑल, जो आप सब लोगों ने इतना
ट्रिमेंडस रेस्पॉन्स दिया है मेरी वेबसाइट को, इतने लोग जुड़ गए हैं कि कई बार तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। एंड रियली हैप्पी कि आप सब लोग उसको यूजफुल मान रहे हैं और आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं सर। बहुत अच्छे वीडियोस आपने बनाए हैं जो हमारे काम के हैं और हमें बहुत फायदा हो रहा है। बहुत ही पॉजिटिव रिव्यूज, एक भी नेगेटिव रिव्यू नहीं है, बहुत ही पॉजिटिव रिव्यूज सर। और मुझे अगेन खुशी है कि हिंदी का मैंने मॉड्यूल लॉन्च किया है। तो आप सब जाइए, देखिए, जितना नॉलेज आप बढ़ाएंगे, कोविड टाइम्स हैं, हम लोग घर पे बैठे हुए हैं, तो आप जितना टाइम आप यूज करेंगे इसको, उतना ही आगे करियर में आपको काम आएगा। वंस अगेन थैंक यू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई वेबसाइट एज वेल एज यूट्यूब चैनल्स। प्लीज अपने दोस्तों से, फ्रेंड्स से शेयर करिए, सो उनको भी फायदा हो। एंड प्लीज रिमेन बी सेफ, कोविड टाइम्स अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।